हेलो, वेलकम टू निधि इजी एंड फूड खाना। आज मैं आपको मखाना का लड्डू बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत इजी वे में। और ये नवरात्रि के व्रत में आप बना के खा भी सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मखाना का लड्डू बनाना। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कटोरी मखाना ले रही हूँ। ये इजीली अवेलेबल होता है, कहीं भी मिल जाता है। ये व्रत में खाया जाता है। यहाँ आधी कटोरी से थोड़ी कम मैं चीनी ले रही हूँ, क्योंकि मेरी चीनी मोटी है। और मैं यहाँ दो इलायची ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने काजू, बादाम और पिस्ता को चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ। मैं यहाँ 4 स्पून दूध ली हूँ। उसमें थोड़े से थ्रेड केसर के डाल दी हूँ, ताकि उसके अच्छे फ्रेगनेंस आए। और मैं यहाँ 3 टेबल स्पून घी ले रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मखाना का लड्डू बनाना। मखाना और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू। कढ़ाई में घी डालूंगी, घी गर्म हो रहा है। अब इसमें मखाना ऐड कर दूंगी और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भूनना है। ये भूनते भूनते हार्ड हो जाती है और इसके थोड़े कलर भी चेंज हो जाएंगे और सारी घी ये एब्जॉर्ब कर लेगी। देखिए, इसे हमें चलाते रहना है ताकि बहुत ज़्यादा एक तरफ से न सिक जाए। देखिए, ये हार्ड हो रही है। अभी इसे थोड़ा और पकाना है। चलिए, एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये टूट जाती है। ये देखिए कैसे टूट गए, यानी कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर तक इसे चलाएंगे, ताकि एक तरह से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और ठंडा करके इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, गरम गरम ना पीसे। ये देखिए, ये मिक्सी में इजीली ग्राइंड हो जाती है। अब हम इसी जार में चीनी और इलायची भी पीस के पाउडर बना लेंगे। चलिए, अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ और चीनी ऐड करती हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ। चलिए, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि चीनी पूरे ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें दूध ऐड करूँगी। थोड़े थोड़े करके इसमें दूध ऐड करूँगी। एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है, और दूध की जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही डालना है। दूध हम इसलिए डालते हैं ताकि ये बाइंड हो जाए अच्छे से। वैसे इसको बहुत परेशानी नहीं होती है बाइंड करने में। देखिए, बस अब इसे स्टार्ट कर देंगे बाइंड करना। लड्डू बनाना स्टार्ट हो गया। देखिए कितना इजी वे में ये लड्डू बन जा रहा है। इसी तरह मैं सारे लड्डू बना लूँगी। लड्डू के साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ये झटपट बन जाती है और व्रत में ये खाएं बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये बन के रेडी हो गया है हमारा लड्डू, मखाने और ड्राई फ्रूट्स का। आप इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई करें मखाना और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, और मुझे ज़रूर बताएं कैसी बनी आपकी लड्डू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।